हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया समझे। आज के सेशन में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेमरिंग यानी हकलाना। तो हकलाने की जो आदत होती है वो बच्चों से लेके बूढ़े तक के एज ग्रुप में होती है। अब इसमें भी कई टाइप की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कौन कैसे हकलाता है या फिर किसकी ज़ुबान किस टाइप की बनावट होती है, उसके वजह से कैसा उनका आवाज़ निकलता है, ये सारी कंडीशन मैं आपको एक एक करके बताऊँगा रेमेडी वाइज। तो इसके जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं, कौन कौन से कंडीशन में किस टाइप की स्टेमरिंग है उसमें देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्टेमरिंग यानी हकलाना, तो हकलाने में अब चलिए आपको एक एक कंडीशन में बताता हूँ। जिनकी टंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है, तो टंग के मोटे होने की वजह से कई बार आवाज़ बोलने में कई बार दो तीन आवाज़ एक साथ निकलती है या फिर मिक्स करके निकलती है। अच्छे से क्लियर जैसे बोला जाता है वैसे क्लियर पेशेंट नहीं बोल पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है कि मिक्सिंग आवाज़ निकाल रहे हैं। ऐसी अगर कंडीशन हो तो उस केस में आप नेट्रम कार्क 30 या 200 का इस्तेमाल करिए, एक्ट करती है बहुत सही। अब दूसरी कंडीशन है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चे, बच्चों में उनका हाइट बढ़ जाता है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन उनका जो आवाज़ होता है वो स्टेमर करता रहता है, वो हकलाते रहते हैं। भले वो हकलाना थोड़ा सा कम हो लेकिन हकलाना रहता ही है। वो कंडीशन में आप वोविस्टा दीजिए। वोविस्टा 30 पावर में आप देंगे सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी अच्छा एक्ट करेगा। कम से कम 15 डेज़ के लिए इसको प्रिस्क्राइब करके आप ज़रूर देखिएगा। तीसरा कंडीशन है जिसमें पेशेंट बहुत लंबे समय तक गैप लेते हैं। अब समझिए, बात कर रहे हैं, बात करने के बीच में वो एकदम से रुक जाएंगे, सोचना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि वो सोच रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं इसके वजह से वो सोचना स्टार्ट कर देंगे, यानी गैप, बोलेंगे फिर रुक जाएंगे फिर बोलेंगे, यानी गैप होता रहता है बीच में वो कंडीशन में। और साथ में उनका स्टेमरिंग भी रहेगा, हकलाना भी रहेगा और साफ तोतला आवाज़ निकलेगा, साफ नहीं निकलेगा। उस कंडीशन में काली ब्रोम का इस्तेमाल करिए। काली ब्रोम मोस्टली 12x के पोटेंसी है या फिर 6x, अच्छा एक्ट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30 CS तक ही दीजिए, लेकिन थोड़े लंबे टाइम के लिए चलाइए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। चौथा जो कंडीशन है उसमें पेशेंट कुछ स्पेसिफिक वर्ड रहता है वो छूट जाता है हर बार, मतलब जितनी बार वो बात करेगा कुछ बोलना चाहेगा। अब मान लीजिए उसका कोई भी सेंटेंस है उसमें स्कूल आ रहा है, तो अब स्कूल जैसे ही आएगा वो हकलाना स्टार्ट कर देगा या फिर रुक जाएगा। तो एक पर्टिकुलर कोई वर्ड हो रहा है, उस वर्ड पे अगर हकलाना स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि पर्टिकुलर वर्ड पे हकला रहा है, तो उस कंडीशन में कैमोमिला बेस्ट रेमेडी होता है, 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करिए, अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद से एक कंडीशन आती है जिसमें पेशेंट अजीबोगरीब वर्ड निकालने लगता है, जो करेक्ट वर्ड रहता है उसको छोड़ के दूसरा वर्ड निकालेगा। अगर एग्जांपल आपको बोलूं तो पलंग बोलना रहेगा तो पेशेंट लपंग बोलेगा, समझ रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूं, पलंग को लपंग, यानी बोल रहा है वैसे ही तुक उल्टा कर देगा। तो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी काफ़ी यूजफुल होती है, ऐसे कंडीशन में प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अनदर सिम्टम होता है उसमें कई बार पेशेंट के ज़ुबान पे शब्द आ जाता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को कि बोलते हैं मेरे ज़ुबान पे ही वर्ड है बस निकल नहीं रहा है, और वो हर बार फंसता है, ऐसा नहीं कि एक दो बार होगा, लगातार होगा, बार बार होगा। तो उस कंडीशन में आप उसको सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है सिक्योटा, सिक्योटा वेरोसा 30 पोटेंसी में आप देंगे तो बहुत ही अच्छा एक्ट करता है, पेशेंट को लाभ मिलेगा। उसके बाद अगला कंडीशन जो है उसमें जो भी पेशेंट बोलेगा जीभ निकाल के बोलेगा। आप देखिएगा कई कई पेशेंट होते हैं स्पेशली बच्चे, जब भी बोलते हैं जीभ को बाहर निकाल के बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें दो तीन बार उनका जीभ कंप्लीट ऐसे कंप्लीट बाहर तक आएगा फिर बोलेंगे। जैसे बार बार जीभ निकालना बाहर और फिर बोलने में लैकेसिस बेस्ट मेडिसिन होता है, इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और एक आखिरी और बेस्ट मेडिसिन है जिसमें स्टेमरिंग इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे आप एक सेंटेंस या एक पैरा कुछ भी बोले आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है, इतना ज़्यादा स्टेमरिंग है, उस कंडीशन में आप स्टेमोनियम दीजिए। स्टेमोनियम मोस्टली 30 पोटेंसी में दिया जाता है, ऐसी कंडीशन जब बहुत ही ज़्यादा हकलाना हो तब स्टेमोनियम प्रिस्क्राइब करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आई होप दोस्तों ये हकलाहट की जो बीमारी है स्टेमरिंग की, इसमें जितने भी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको समझा दिया हो। आपको अगर पेशेंट आते हैं अच्छे तो ऐसे पढ़िए और डिटेल में समझिए, और ये जो कंडीशन मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करिए, अच्छा रिजल्ट देगी। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक सारे आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देख रहे हैं लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ, नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।